आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलपीजी सिलेंडर पर 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं नए नियम। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी घर से बाहर घूम रहे विधायक जी, गले में टांगी कोविड-19 पॉजिटिव की तख्ती। बीस अक्टूबर से ऑनलाइन मूंग उड़द सोयाबीन तथा 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद होगी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। अगले महीने से घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए 1-टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। तेल कंपनियां इस नए सिस्टम को लागू कर रही हैं ताकि गैस सिलेंडर की चोरी के मामलों से निपटा जा सके और सही ग्राहक तक डिलीवरी हो सके। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथराइजेशन कोड के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत दौर में इस सिस्टम को 100 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के जयपुर में इसे शुरू कर दिया गया है। इस नए सिस्टम के तहत गैस सिलेंडर की डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि ग्राहक द्वारा डिलीवरी के जाने वाले एक कोड न दिखाया जाए। यह कोड ग्राहक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि ग्राहक गैस एजेंसी के साथ में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखे। ऐसा नहीं करने पर उनके एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया, तो डिलीवरी बॉय के पास में एक ऐप होगा जिसके ज़रिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं और उसके बाद में कोड जनरेट कर सकेंगे। तो वहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस से भयभीत और परेशान है, लेकिन हमारे देश के नेता तो इस कोविड पीरियड में भी राजनीति करने से बाज नहीं हार रहे हैं। ये नेता भीड़ में जाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, चाहे फिर खुद भी क्यों न कोरोना वायरस से संक्रमित हो। ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान में सामने आया है, जहाँ एक नेता ने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी भीड़ में जाकर लोगों से मिलने जुलने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित नेताजी का नाम ओम प्रकाश हुडला है। वो दौसा जिले में महवा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश हुडला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 15 अक्टूबर को आई थी। उनका पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है, इसके बावजूद भी वे घर से बाहर घूम रहे हैं, साथ ही वे लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। ऐसे में आम लोगों में भी कोरोना फैल सकता है। और अब खबर झालावाड़ के डक से, जहां पे स्कूल बिल्डिंग निर्माण के नाम पर स्कूल प्रशासन और ठेकेदार ने विद्यालय मैदान को ही खोद डाला। मामला डक कस्बे के पुरानी कचहरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूतन का है, जहां विद्यालय विकास के लिए एक पुस्तकालय सहित 4 कमरों का निर्माण होना था, मगर ठेकेदार ने सीमेंट का हवाला देकर विद्यालय के मैदान को ही खोद डाला, जिसको लेकर छात्रों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह बिल्डिंग बनवाने से विद्यालय 4 दीवारी से बंद हो जाएगा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी यहां नहीं होगा। मैदान खोदने की जानकारी जब छात्रों ने सरपंच हेमू कुंवर शंभू सिंह मंडलाई को दी, तब वह वहाँ पे उप सरपंच सुरेश कुमावत सहित वहाँ पहुँचे और निर्माण को रुकवाया। वहीं उप सरपंच का कहना है कि अगर असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं तो विद्यालय के दोनों ओर ग्राम पंचायत गेट लगाकर रास्ता बंद करवाया जाएगा। हाँ, क्या मामला सर? ये भी डक कस्बे में राजकीय माध्यमिक विद्यालय नूतन शाला है, वहाँ पर क्या नया निर्माण कार्य चल रहा था कमरा कक्षों हेतु। वहाँ पर क्या हुआ कि जो ठेकेदार है उसने उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो खेल मैदान था उस पर लेआउट करके और उस खेल मैदान को खुरदुरुस्त किया। उसकी शिकायत ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई के पास आई और साथ में मुझे भी उन्होंने छात्रों ने शिकायत की। तब हमने मौके पर जाके देखा तो वास्तव में खेल मैदानों को खोद दिया गया था जेसीबी द्वारा और बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए और इससे छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। और जब हम मौके पर पहुंचे वहाँ के शाला प्रधानाचार्य वहाँ की जो थी उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि ये भाई वहाँ के जो ठेकेदार ने खोदा है और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ
जो कमरे बनेंगे वही हैंड ओवर किए जाएंगे। और वहां पर हमने जब देखा कि एक और जगह उसी परिसर में है जो खंडर के रूप में है, वो कमरा कक्ष वहां भी बन सकते हैं, ताकि बच्चे जब आने वाले भविष्य में अपने खेल प्रैक्टिस भी उसी मैदान में कर सके। नूतन शाला के अलावा एक और कन्याशाला भी है, माध्यमिक विद्यालय कन्याशाला, वहाँ की जो स्टूडेंट्स है वो भी उस खेल मैदान का अपना उपयोग करती है और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं उसी मैदान में। इसके लिए हमने निवेदन किया है कि इसको यहाँ से बदलकर दूसरी जगह, वहीं पर जो जगह पड़ी हुई है वहीं पर उनका निर्माण कार्य किया जाए, ताकि खेल मैदान बच सके और छात्र अपना जो खेल प्रतिभा है उसको दिखा सके। तो फिलहाल कार्य बंद कर दिया गया है ठेकेदार द्वारा? हाँ, बंद कर दिया गया है और मौके पर हमने जेएन साहब वहाँ बता दिया, अवगत कर दिया है कि भाई आप लोग पता था तो हम दूसरी जगह आपको बता देंगे। पंचायत इसके लिए कृत संकल्प थे कि कक्ष निर्माण होना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन खेल मैदान भी बचना चाहिए और इसका वैकल्पिक व्यवस्था है वहाँ पर। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहाँ पे विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन व जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार आगामी नवरात्र में जोगनिया माता के दर्शन व अन्य विधित धार्मिक कार्यक्रमों को ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जो आप भक्तजन घर बैठे ही मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर जोगनिया दर्शन चैनल पर यूट्यूब व फेसबुक पर देख सकते हैं। जोगनिया माता शक्तिपीठ संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि जोगनिया माता में विविध धार्मिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष के अनुसार ही होंगे, परंतु जोगनिया माता का दर्शन हेतु मुख्य प्रवेश द्वार तत्कालीन स्थिति अनुसार खोला या बंद रहेगा, ये अनिश्चित है। लेकिन दर्शनार्थियों के लिए माता के दर्शन, पूजन व विविध कार्यक्रमों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। भक्तजन घर पे बैठकर इसका धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नवरात्र स्थापना के अवसर पर 17 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:15 पे जोगनिया माता में नवरात्र की घट स्थापना व प्रांगण में ध्वजारोपण होगा। वहीं इसमें मुख्य अतिथि भानपुर शंकराचार्य पीठ के स्वामी ज्ञानंद तीर्थ, बानोड़ा बालाजी के पंडित कैलाश चंद्र शर्मा, महंत केशव दास व जोगनिया माता शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल जोशी, उपाध्यक्ष सूरजमल मीणा, सदस्यगण तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। प्रतिदिन दोपहर 1 से 2 बजे तक आसिन के महंत केशवदास जी रामायण आधारित प्रवचन व भानपुरा शंकराचार्य पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानंद तीर्थ द्वारा देवी भागवत कथा का वाचन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे व शाम को 4 बजे से 6 बजे होगा, जबकि नवरात्र के प्रथम दिन भागवत कथा शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगी। जो भक्तजन दर्शन, आरती, देव भगवत तथा आदि का धर्म लाभ लेना चाहते हैं, वो घर पे बैठकर ही जोगनिया दर्शन चैनल के द्वारा यूट्यूब या फेसबुक पर लाइव दर्शन व पूजन कर सकते हैं। जोशी ने नवरात्र मेले के लिए बताया कि इस नवरात्र में मेला नहीं भरेगा या रामलीला, भजन संध्या इत्यादि कार्यक्रम नहीं होंगे। साथ ही बाहर से आने वाले मेले में दुकानदारों को जगह उपलब्ध नहीं होगी। जोगनिया माता क्षेत्र में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जोगनिया में दुकानदारों व यात्रियों को भी कोरोना पॉजिटिव 19 की प्रोटोकॉल की पालना करना अनिवार्य होगा। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भीलवाड़ा के सुभाष नगर स्थित शिव मंदिर में पिछले 1 माह से चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति हो गई है। इस दौरान कई निर्वाह आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री, घोड़ास आश्रम के महंत सूरजदास, हनुमान टेकरी, छोटी हिरणी के महंत बनवारी शरण काठिया, बाबा सहित कई साधु संत और आमजनों ने भी पूर्णाहुति दी। यह यज्ञ अधिक मास के तहत विष्णु भगवान से कोरोना वायरस समाप्ति के लिए हो रहा है। यज्ञ आयोजक अनिल जैन ने कहा कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के समय से ही हम आमजन की सेवाओं में जुटे हैं। इसके तहत हमने काढ़ा वितरण और मास्क वितरण किए हैं। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण हमने इस यज्ञ का आयोजन किया और भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना से भारत देश की मुक्ति दिलवाए। वहीं पुजारी युवराज जोशी ने कहा कि अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है, इसके कारण हमने कोरोना महामारी निवारण अर्थात यज्ञ का आयोजन किया है, जिससे भगवान विष्णु इस महामारी से भारत देश को निजात दिलवाएं।
इस कोरोना महामारी को मिटाने के लिए 6 महीने से हम लगातार चल रहे हैं। 3 महीने से हम लगातार काढ़ा का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अश्वगंधा, नीम गुलोई और दालचीनी और ये सब वितरित किया जाता है काढ़ा बना के। सुबह 5 बजे हम उठ के आते हैं और दो पांच हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलके काढ़ा वितरण करते हैं। आज के दिन ये क्या, हम एक महीने से हम अधिक मास में, मैंने सोचा भाई एक महीना अधिक मास का है तो अब क्या करें, तो मैंने कहा यार भगवान को भी प्रसन्न किया जाए इसमें अधिक मास के। मैंने जिससे ये हमारी कोरोना की बीमारी, भगवान से भी प्रार्थना की भाई हमारी कोरोना का बीमारी मेट देवे, तो हमने अधिक मास में हमने मतलब अभिषेक और विष्णु यज्ञ का आयोजन किया है, जो एक महीने से लगातार चल रहा है, जिसकी आज पूर्णाहुति हो गई। सब साधु संतों को बुला के उनके हाथों द्वारा हमने पूर्णाहुति कराई। अधिक मास का महीना है, भगवान विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है ये। इस महीने में मतलब जो भी अपन कार्य करते हैं वो सिद्ध होता है, ऐसा माना गया है और बताया भी गया है। और इसमें अपन ने कोरोना महामारी निवारणार्थ इसका अपन ने विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम किया है। एक महीने से कार्यक्रम रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है, सुबह प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक डेली कार्यक्रम चलता रहा है। और उसके अंदर सुबह ठाकुर जी का अभिषेक होता है विष्णु भगवान का, उसके बाद में हवन होता है, फिर आरती होती है। डेली यह कार्यक्रम रूटीन चल रहा है जी, आज पूर्णाहुति होगी। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहाँ पे सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला से नवनिर्वाचित सरपंच सुमन सुरेंद्र गोदारा ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार से पहले ग्रामीणों व वार्ड पंचों ने माल्यार्पण व मिठाई बांटकर नव निर्वाचित सरपंच का स्वागत किया। इस दौरान सरपंच ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से संबंधित कार्यों को करना उनकी प्राथमिकता होगी। और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पर राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राहत प्रदान करते हुए समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा मूंगफली की खरीद 20 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू कर दी है। तलपत सिंह राठौर कृषि अधिकारी बावड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। उनमें मूँगफली 7,196 रुपये, मूँगफली 5,275 रुपये, सोयाबीन 3,880, उड़द 6,000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर घोषित किया है। इन कृषि जिज्ञासाओं के समर्थन मूल्य से राज्य की 850 केंद्रों पर 20 अक्टूबर से खरीदी शुरू कर देंगे। किसान अपना पंजीकरण, मूल गिरदावरी, नकल, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड के साथ में नज़दीकी ई मित्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। राज्य सरकार की इस घोषणा से किसानों में खुशी की लहर होगी। दिवाली से पहले किसानों ने मूंग खरीद से उनके जेब में पैसा भी होगा, जिससे दिवाली की खुशियां डबल हो जाएगी और किसान वर्ग को समय पर उनका भुगतान उनके बैंक खाते में मिल जाएगा। आने पाने दामों में बिचौलियों के देने का झंझट खत्म हो जाएगा तथा उनको उचित मूल्य पर मिल जाएगा, इससे कि किसानों को आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा और इस समय रहते उनको पैसे भी मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत भोजेवाला से निर्वाचित सरपंच ने भी इसका पदभार ग्रहण किया। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां पर शारदीय नवरात्रों में जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल श्रद्धालुओं को अब नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा पूरे समाधि स्थल परिसर में नया रंग रोगन करवाया जा रहा है, जिससे पूरा परिसर खिल उठेगा। रंग रोगन कार्य पिछले लंबे समय से कई कारीगरों द्वारा किया जा रहा था, जो अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्य पोल, कचहरी परिसर, डाली बाई, समाधि स्थल, निकासी द्वार के अलावा बैरिकेडिंग और जालियों पर भी नया रंग करवाया जा रहा है। ऐसे में नवरात्रि में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल श्रद्धालुओं को नए स्वरूप में खिला हुआ दिखाई दे रहा है। नवरात्रि के अवसर पर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की खासी चहल पहल होगी। बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। जन जन के आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव समाधि स्थल को रंग रोगन किया गया। पिछले कई समय से कारीगरों द्वारा रंग रोगन का कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्य पोल, बाबा रामदेव जी की कचहरी परिसर और निकासी गेट, डालीबाई समाधि स्थल वगैरह रंग रोगन किया गया। और अगले नवरात्रा में बाबा रामदेव जी के भक्तों को नए स्वरूप में
बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल देखने को मिलेगा। और अब खबर जोधपुर के बावड़ी से, जहां पे बावड़ी उपखंड में कोविड 19 के बेहतरीन सेवा देने वाले डॉक्टर अनिल चौधरी के 34वें जन्म दिवस पर बावड़ी सामुदायिक केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा से युवाओं ने रक्तदान किया। युवा क्रांतिकारी संत राम विचार महाराज के सानिध्य में आयोजन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर CMHO डॉक्टर बलवंत मंडवा, सरपंच महेंद्र गलवा अनवाना, सरपंच प्रतिनिधि सुखदेव सिंह भवाद, उप सरपंच जय सिंह ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए संत राम विचार महाराज ने कहा कि रक्त का दान करने से शरीर में कोई भी कमी नहीं होती है, बल्कि कई नई स्फूर्ति आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, उसको वर्ष में 2 बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर में 72 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि यह रक्तदान शिविर आयोजन करवाकर जन्मदिवस के उपलक्ष में मन को बड़ा सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आए दिन खून की कमी से तड़पते हुए मरीजों को देखकर मन पसीसता है। उसे एक प्रेरणा जगी कि लोगों की सेवा के लिए किस तरीके से सामाजिक सरोकार भी करना चाहिए, जिसके लिए सभी शुभचिंतक का, CHC का और बावड़ी के सभी ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त किया। वह जीवन में रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं होता है, वह धर्म नहीं, इसलिए मानव को रक्तदान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जन्मदिवस के ऊपर जो है ब्लड कैंप का आयोजन करवा रहे हैं, सर किस तरह की खुशी लग रही है आपको? अच्छा लग रहा है ग्रामीणों के लिए जन्मदिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप हो और उनके काम आए एमरजेंसी के लिए। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जो ब्लड डोनेशन इस तरह की कैंपिंग करवाना बाकी कम देखा जाता है, कि इस तरह की ही प्रेरणा जो एक के लिए हो सकता है लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन को समर्पित? हॉस्पिटल में रहते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, लोगों को उनकी कमी देखते हैं और मुश्किल होती है उनके खून के लिए, तो किसी से प्रेरणा मिली कि भाई हर जगह ये चीज़ हो और लोग ब्लड डोनेशन करें ताकि कभी किसी को ऐसा नहीं हो कि उसे खून टाइम पर नहीं मिले। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए EDP के न्यूज़। नमस्कार।